वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के यूनिट फर्स्ट से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपका एक क्यूरिकुलर कोर्स होता है, यानी यह एक अनिवार्य विषय होता है जो कि NEP के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटियों द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट का नाम है आहार एवं पोषण की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। आपको प्लेलिस्ट में सभी यूनिट की वीडियो देखने को मिल जाएगी। यदि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी मॉडल या बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चंस इन प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आहार से क्या आशय है। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति खाता या पीता है, जो पचाया जा सके और जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, उसे आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिरक्षा वर्धक उपायों में शामिल है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी शामिल है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी शामिल हो जाएंगे, यानी पौष्टिक भोजन खाना, अच्छी नींद लेना और उचित व्यायाम करना, ये सभी प्रतिरक्षा वर्धक उपायों में शामिल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दुर्बल प्रतिरक्षा का यानी के लक्षण है या है। यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर सभी लक्षण हैं, ऑप्शन डी ये सभी, यानी पूरे समय थका महसूस करना, बार बार बीमार पड़ना और एलर्जी की शिकायत, ये सभी दुर्बल प्रतिरक्षा के लक्षण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भोज्य पदार्थ का आवश्यक गुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी गुण आवश्यक है, यानी भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता एवं क्षमता रखते हैं, और भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम्स द्वारा विखंडित होने की क्षमता रखते हों, और भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखते हों, ये सभी गुण भोज्य पदार्थ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आहार ग्रहण करने उसके पाचन तथा पोषक तत्वों के अवशोषण का परिणाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का पोषण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर का अर्थ पूर्ण शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी स्वास्थ्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक तत्व जाने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है, यानी ऊर्जादायक, शरीर निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक तत्व। नेक्स्ट यहाँ पर पोषण विज्ञान संबंधित है। तो यह शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से और शरीर में पोषक तत्वों की क्रियाओं से, दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व यानी उचित अनुपात में हो और उचित साधन से प्राप्त हो और दैनिक आवश्यकता के अनुसार हो, ये सभी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी की राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन एवं खनिज लवण की, प्रोटीन की और कार्बोज तथा वसा की, संतुलित आहार में इन सभी की उपयुक्त मात्रा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार लेना आवश्यक है क्योंकि इससे, यहाँ पर ऑप्शन बी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संतुलित आहार के लिए आवश्यक है कि, यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा आदि तत्व उपस्थित हो, तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है और यह आवश्यक भी है। नेक्स्ट यहाँ पर पोषण विज्ञान की मान्यता है। यहाँ पर ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पोषक तत्वों का या के कार्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों कार्य, यानी शरीर निर्माण में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की सुरक्षा संबंधी कार्य, ये दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो कहलाता है, तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपोषण या कुपोषण का रूप हो सकता है। यहाँ पर अल्पोषण या अपोषण हो सकता है और आवश्यकता अधिक अथवा असंतुलित भी हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हर प्रकार का कुपोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव डालता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट
उस पोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते रहते हैं, तो उसे उचित या सामान्य पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उचित या सामान्य पोषण की दशा में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी क्रियाएँ संपन्न होती है, यानी ऑप्शन ए दिया गया है, शरीर की समस्त कोशिकाओं का उचित पोषण होना और शरीर की समस्त ग्रंथियों से रसों का उचित निर्माण एवं स्राव होता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर उचित पोषण का परिणाम होता है, तो उचित पोषण का परिणाम होता है यहाँ पर शारीरिक वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में सही होता है और शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों का उचित विकास होता है और व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की चमक होती है तथा बाल चिकने चमकीले तथा मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उचित पोषण का लक्षण या परिणाम नहीं होता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी लक्षण या परिणाम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, शरीर की लंबी तथा सीधी अस्थियों में झुकाव होना और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे या काले निशान दिखाई देना। सी दिया गया है, त्वचा के नीचे वसा की तह का अभाव। तो यहाँ पर सभी लक्षण जो हैं वे उचित पोषण के परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी लक्षण या परिणाम राइट आंसर हो जाएगा। उचित पोषण में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला या वाले कारक है, तो यहाँ पर ए दिया गया है आयु और शारीरिक क्रियाशीलता, बी दिया गया है व्यक्ति की पसंद ये नापसंद और धर्म और संस्कृति स्वरूप। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुपोषण के प्रभाव हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि, बी दिया गया है शारीरिक अपंगता और सी दिया गया मृत्यु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, कुपोषण के ये सभी प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपोषण या अल्प पोषण की स्थिति में, तो व्यक्ति के शरीर का विकास एवं वृद्धि सुचारू नहीं होते हैं, ये भी सही है। बी दिया गया है शरीर का समुचित रख रखाव नहीं हो पाता। सी दिया गया है रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सभी तथ्य सत्य है, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर अल्प पोषण का लक्षण या परिणाम होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी लक्षण या परिणाम राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्ति का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में कम होना, शारीरिक शक्ति का ह्रास होना तथा दुर्बलता, और सी दिया गया है मांसपेशियों का गठन कमजोर होना, ये सभी लक्षण या परिणाम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अल्प पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर प्रभाव होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की स्वाभाविकता सुंदरता तथा कोमलता नष्ट हो जाती है, त्वचा खुरदरी तथा रूखी हो जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के बालों पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट ट्रांसफर हो जाएगा, बालों की चमक कम हो जाती है, टूटने लगते हैं तथा वृद्धि रुक जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रभाव हो सकते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम्स तथा रस समुचित मात्रा में नहीं बनते। बी दिया गया है पाचन तंत्र का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, और सी दिया गया है यहाँ पर आहार का पाचन एवं शोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अपोषण का शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तथा व्यक्ति बार बार रोगों का शिकार होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आहार नियोजन करना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है उत्तम आहार नियोजन से आशय है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित उपयुक्त रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आहार नियोजन के विषय में सत्य है, यहाँ पर ऑप्शन डी सत्य है, आहार नियोजन यानी विज्ञान एवं कला दोनों है, आहार नियोजन विज्ञान एवं कला दोनों है, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आहार आयोजन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ऑप्शन ए आहार की पौष्टिक उपयुक्तता हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर आहार आयोजन के सिद्धांत है, यहाँ पर भिन्नता आर्थिक स्थिति लचीलापन तीनों ही सिद्धांत दिए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है, तो यह गृह विज्ञान एवं पाकशास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके जानकारी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट दिया गया है परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक है,
यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आहार आयोजन या नियोजन के उद्देश्य है, यहाँ पर ए दिया गया है साधनों का अधिकतम उपयोग, बी दिया गया है संतुलित आहार उपलब्ध कराना, सी दिया गया है यहाँ पर बुद्धिमत्ता ढंग से चुनाव करके उचित आहार का उपयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आहार नियोजन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है, यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, वे बातें कौन कौन सी है। ए दिया गया है बजट के अनुसार व्यय तथा व्यय संबंधी मित्र व्ययता का, बी दिया गया है उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, और सी दिया गया है परिवार के सदस्यों की आहार संबंधी रुचियों एवं आदतों का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी बातों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है, यहाँ पर स्वादिष्ट एवं रोचक पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक और विविधतापूर्ण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आहार नियोजन करने का उद्देश्य है, तो हमारा उद्देश्य होता है परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समय का व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन, यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर रसोई का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है परिवार के लिए आहार नियोजन करते समय कौन से बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी पसंद या नापसंद और उसकी पोषण की आवश्यकता का। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पर टेबल सेटिंग प्रभावित नहीं करता है, बाकी यहाँ पर सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आहार नियोजन को व्यावहारिक रूप देने का सरल उपाय है, यहाँ पर आहार तालिका तैयार करना यह इसका सरल उपाय है। नेक्स्ट है प्रथम आहार समूह में शामिल है, तो प्रथम आहार समूह में पुदीना मटर हरा धनिया ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे आहार समूह में शामिल है, यहाँ पर संतरा आंवला और नींबू तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे आहार समूह में शामिल है, तो तीसरे आहार समूह में आलू शकरकंद शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चौथे आहार समूह में शामिल है, यहाँ पर ऑप्शन ए दूध तथा दूध से बने पदार्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पांचवें आहार समूह में शामिल है, यहाँ पर ऑप्शन ए मांस मछली अंडा दालें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठे आहार समूह में शामिल है, यहाँ पर चावल मक्का तथा बाजरा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सातवें आहार समूह में शामिल है, तो सातवें आहार समूह में यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, घी मक्खन तथा तेल। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन के कार्यों का वर्गीकरण है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रकार के कार्य यानी भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी कार्य यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना और शरीर सुरक्षा करना, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भोज तथा प्रीति भोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्ट होते हैं, आहार की इस भूमिका को माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन के सामाजिक कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन के माध्यम से संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि को माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आहार का ऊर्जादायक तत्व है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन तीनों ही ऊर्जादायक तत्व होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व यहाँ पर पहले ही बता दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पर भोज्य पदार्थ जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है का ऊर्जा मूल्य होता है, तो उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऊर्जा के निर्माणक भोज्य तत्व हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर, यानी प्रोटीन खनिज तत्व और जल। नेक्स्ट यहाँ पर आहार के सुरक्षात्मक तत्व है, यहाँ पर विटामिन खनिज और प्रोटीन तथा जल ये सभी सुरक्षात्मक तत्व है। नेक्स्ट है संतुलित आहार से आशय है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, वृद्धि एवं विकास में सहायक हो और देखने में अच्छा हो, ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए संतुलित तथा पौष्टिक आहार आवश्यक है,
तो उसके लिए उसको स्वस्थ बनाए रखने में और उसके वृद्धि एवं विकास हेतु और उसको क्रियाशील बनाए रखने में, ये सब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है संतुलित आहार ग्रहण करने से, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है और व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सभी के लिए अलग अलग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन और वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार प्रदान करता है, तो यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मात्रा तथा अनुपात में निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए उम्र, लिंग और क्रियाशीलता पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर आयु और लिंग, शारीरिक गतिविधि और विशेष शारीरिक अवस्थाएं, तीनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव की पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्भर करती है किसी व्यक्ति के, तो यहाँ पर लिंग, आयु और शरीर के भार के आकार पर, तीनों ही राइट है, ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में अधिक होने चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी ऊर्जादायक पोषक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार में होना चाहिए, तो संतुलित आहार में वनस्पति जन्य वे पानी जन्य भोज्य पदार्थ दोनों ही होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है कहलाती है, तो उसे सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं, पर ए दिया गया है सस्ते व पूरक पौष्टिक आहारों का बनाना और जनसंख्या पर नियंत्रण करना, रसोई बगीचे को प्रोत्साहन करना, तो ये सब यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। इस सब्जेक्ट में आपकी कुल 4 यूनिट होती हैं, बाकी सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।